वेलकम टू डिजिटल न्यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज सौवा एपिसोड प्रसारित किया गया इस ऐतिहासिक एपिसोड को और भी यादगार बनाने के लिए देश में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग की गई और करोड़ों लोगों ने इसे लाइव सुना बता दें कि हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को देश की जनता द्वारा खूब पसंद किया जाता है वहीं आज के मन की बात के सौवे एपिसोड में पीएम मोदी ने मन की बात के पहले एपिसोड को याद किया पीएम मोदी ने कहा तीन अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का वो पर्व था और हम सबने मिलकर के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है उन्होंने आगे कहा कि हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं हम इसमें लोगों की भागीदारी को भी सेलिब्रेट करते हैं कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात का हर एपिसोड अपने आप में खास रहा है साथियों तीन अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए हर एपिसोड अपने आप में खास रहा हर बार नए उदाहरणों की नवीनता हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े हर आयु वर्ग के लोग जुड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो स्वच्छ भारत आंदोलन हो खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात मन की बात जिस विषय से जोड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया वही पीएम मोदी के मन की बात के सौवे एपिसोड को उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर कहे जाने वाले शहर कानपुर में भी लाइव स्क्रीनिंग के माध्यम से जगह जगह प्रसारित किया गया बता दें कि आज सुबह 11 बजे तेज बारिश के बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चार जगहों पर बड़ी स्क्रीन पर महेंद्र शुक्ला उर्फ दद्दा के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात के सौवे एपिसोड को सुना जानकारी के लिए आपको बता दें कि कानपुर के वार्ड संख्या उनचास गांधीनगर में तीन बार से जीत दर्ज कराने वाले महेंद्र शुक्ला उर्फ दद्दा ने अपने क्षेत्र में पीएम मोदी के मन की बात के सौवे एपिसोड की लाइव स्क्रीनिंग करवाई थी वार्ड संख्या उनचास गांधीनगर सीट से महेंद्र शुक्ला उर्फ दद्दा तीन बार से अपनी जीत दर्ज कराते आ रहे हैं इतना ही नहीं दो बार उनकी पत्नी रश्मि शुक्ला ने भी इस सीट से जीत हासिल की थी बता दें कि गांधीनगर पार्षदीय सीट पिछले 25 वर्षों से उनके ही परिवार के पास है जनता के चहेते पार्षद महेंद्रनाथ शुक्ला उर्फ दद्दा ने अपने ढाई दशकीय सेवा काल में विकास के साथ ही आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने में खासा ध्यान रखा है And this is absolutely free.